तो गाइस आप लोग कैसे हुआ है, बहुत अच्छे होंगे। और तो आज हम जा रहे हैं कोर्ट। और जो लोग अभी कोर्ट को अंदर से देखा नहीं है या कोर्ट के अंदर कैसा काम होता है, किस तरह किया जाता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाय द वे, आप कोर्ट के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता है, फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ता है। अगर मैटर चल रहा होता है तो मैटर पर क्या होता है कि मैटर पर भी ना आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है और कोई कार्रवाई कर सकते हैं जज साहब। तो प्लीज़ आपने कभी कोर्ट के अंदर घुसो तो फ़ोन को ऑफ कर देना। और अभी तक हमारे चैनल आरडी बॉयज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात यह है कि कोर्ट थोड़ी ही दूर में है, साकेत कोर्ट जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के छः, दिल्ली में छः डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसमें एक कोर्ट साकेत कोर्ट का भी होता है। हाँ, और बाकी तीसहारी, रोहिणी, द्वारका, सहादरा और एक और है यार, कौन सा याद नहीं यार, चलो छोड़ो उसे, क्या जाएगा, अभी जाएंगे तो बताएंगे आपको। और क्या कहते हैं, चलते हैं और हाँ, एक और पटियाला हाउस कोर्ट जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ में पास में ही पड़ता है, इंडिया के गोल चक्कर पर ही पड़ता है वो चीज़। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में और कोर्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अपना काम करने के बाद अपना निकलूँगा डी आर टी आप जानते हो, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाला कोर्ट। तो चलते हैं आगे। वो कोर्ट है और थोड़ा ही दूर है कोर्ट, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा आगे जाके वीडियो बनाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा दूर है। पहली बात, एक नंबर कोर्ट से कभी घुसने नहीं देगा, ना दो नंबर कोर्ट से घुसने देगा। आपको जाना होगा तो तीन नंबर कोर्ट रहेगा, यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर जाओगे, तभी भी आपको चेकिंग कराना पड़ेगा। जैसे बैग होगा तो बैग की चेकिंग होगी, उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद एंट्री किया जाएगा। और एक बात अच्छी तरह सजेशन करना चाहता हूँ, आप अगर पहली बार कोर्ट फाइल कर रहे हो, कुछ कंप्लेंट कर रहे हो या आपका मैटर लगा है, तो आप जैसे एंट्री अंदर करोगे तो बहुत सारे क्लर्क और वकील से मिलेंगे जो आपको कहेंगे अपना वकील चेंज कराने के लिए। तो प्लीज़ अपना सजेशन अपना बदलिए ना, और अपना काम से काम रखिएगा। और मिलते थोड़ा आगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ये कोर्ट का रास्ता एक और है, तीन नंबर गेट के लिए जाने के लिए, और कोर्ट यहीं पे है, ये तीन नंबर गेट के लिए। और सारे काली वर्दी और आम आदमी लोग यहीं से निकलते हैं। आपको दिखाता हूँ थोड़ा और आगे जाके एंट्री होती है। और सबसे मेन बात ये है कि चेकिंग बिना आपको अंदर नहीं जाने देगा, चेकिंग करोगे चेकिंग के थ्रू ही जाने देता है वीडियो के अंदर। एंट्री करेंगे अपन, हमने कोर्ट के अंदर एंट्री कर लिया है और कोर्ट अंदर जा रहे हैं, उसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे। जाना तो मैं इधर जाऊंगा, और सबसे मेन बात आपको बता दूं, आगे वीडियो देखते रहना और आगे मिलते हैं। घर और लाइब्रेरी, बुक स्टोर सारे कोर्ट के अंदर ही होता है। तो मैं पहले पीएफ जमा कराना है, तो पीएफ फाइल कराऊंगा तो उसके बाद ही जाऊंगा। तो आगे मिलते हैं वीडियो। और आपको बता, फैमिली कोर्ट पीछे पड़ जाता है, लेकिन आपको यहीं से जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, तो वहाँ पर इंटरव्यू होती है, चेकिंग वहीं पर होता है। मैं आगे का वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि पड़ता ही नहीं पीछे है। अंदर घुसोगे यहाँ पे इंक्वायरी करने को मिलेगा, अभी आप यहाँ किसी भी कोर्ट में जाना होता है यहाँ तक पूछ सकते हो आप। कोर्ट ऊपर है, ऊपर आ गया हूँ और 700 नंबर कोड ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी, बंदे लोग पानी वानी सब व्यवस्था है, पानी भरो पियो। नीचे दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए बहुत बड़ा कोर्ट है। तो फाइनली अपना कोर्ट का काम हो गया, 703 नंबर पी के अंदर सोनम सिंह कोर्ट है, और हमने पीएफ फाइल करा दिया। अब जा रहे हैं दूसरे कोर्ट जाएंगे, डीआरटी भी जा रहे हैं हम। अब डीआरटी वो है साकेत कोर्ट, सॉरी साकेत मॉल है वो।